हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, निर्मला यादव ब्लॉग में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज है बुधवार और आज के दिन बहुत अच्छा दिनचर्या होता है सुनती हूं, क्योंकि आज है गणेश भगवान का दिन। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, गणेश भगवान सबकी भलाई ही करते हैं, बुराई नहीं करते हैं। तो आज मैं उनसे उम्मीद यही रखती हूँ। गणेश भगवान जी से सबसे बड़ा देवता वही हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाता है। और मैं अब लोगों को बता रही हूँ दोस्तों, मैं जैसे शंकर जी भगवान को पूजा करती हूँ, वैसे मैं गणेश जी को, क्योंकि शंकर भगवान हमें शुरू से ही प्रिय थे। मैं शंकर भगवान को बहुत पूजा करती थी, अभी भी मैं करती हूँ, मगर पहले से ज़्यादा नहीं करती हूँ, अब कम कर दी हूँ। पहले बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, मतलब शादी नहीं हुई थी तब की बात है दोस्तों। माता पार्वती और शंकर शिव जी को पूजा करते थे, उसी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा पूजा करती थी शिव जी को दोस्तों। इसलिए जब मुझे शिव जी मिले हैं तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, सही कहा गया है, जो जैसा रहता है उसको वैसा ही मिलता है, ठीक ना दोस्तों। शायद मेरे नसीब में वही थे शंकर जी ही, तो इसलिए मुझे मिले हैं शंकर जी ही। तो मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों शंकर जी से। मुझे नहीं चाहिए गोरे हस्बैंड, मुझे काले हैं, मुझे वही अच्छे लगते हैं और उनकी हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों, बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी एक बार किसी कोई भी बात बोल देते हैं, मैं उस बात को दिल से नहीं लगाती हूँ। हाँ, सिख बात बोलते हैं तो मैं उसे दिल से ज़रूर लगाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी सीख मिलती है। और बहुत ऐसी बातें हैं दोस्तों जो सिखाते हैं, वो मुझे दुनियादारी में तो देखी नहीं हूँ और वो दुनियादारी देखकर बैठे हुए हैं और हर एक परेशानियाँ झेले हुए हैं। तो उनको बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो सिखाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों। और मैं अपने हस्बैंड को बहुत इज्जत करती हूँ और सब लोग करती है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब मैं केवल करती हूँ, सब लोग करती है अपने पति पति को अपने पति को इज्जत। क्यों दोस्तों, सही बोली ना, तो मैं ज़्यादा करती हूँ, समझ गए दोस्तों, मेरे इतना नहीं है, आप लोग करते होंगे। वो हर एक छोटी छोटी बातें बोलते हैं, मैं उनको मानती हूँ और दिल से मानती हूँ, और उनकी हर एक बातों को मैं टालती नहीं हूँ। कुछ भी अगर वो बोल दें, मेरा मजाल नहीं है कि मैं टाल सकती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगे, मेरा दिल कहता ही नहीं है दोस्तों कि अपने हस्बैंड का बात टालो। इसलिए दोस्तों आपको बता दूँ, बहुत बड़ी दुख की बात है दोस्तों। रजनी कौशल जी, आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा तो मैं आपसे बताती हूँ, जो भी आपको फंसाया है ऐसा ही नहीं किया है। और मुझे बहुत दुख सुनकर दुख बहुत हुआ है, मैं वीडियो आपका देखी हूँ। मुझे आपके बेटा का तबीयत ख़राब है दोस्तों, तो सोच तो रही हूँ देखने के लिए, आने के लिए, पर आप दूर हैं इसलिए नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्योंकि आप घर पे भी नहीं रहते हैं दोस्तों। वीडियो मतलब घर पे भी नहीं आप रहते हैं, मतलब ऐसा वो बोल रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे मिलने आना चाह रही थी, पर मिलने तो आऊँगी नहीं, इसलिए क्योंकि आप घर पर रहते नहीं हैं, आप घर पर नहीं रहेंगे तो किससे मुलाकात करूँगी। जैसे कि मैं देखी हूँ वीडियो में और सुनी हूँ कि आप वीडियो अभी कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, डेली कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, और सुबह निकलते हैं, आते हैं मुन्हार को और बच्चे को लेकर। बताइए, इतनी ये सर्दी के मौसम है, ठंडी का मौसम है, इस मौसम में छोटा बच्चा को लेकर, कितना महीना, 10 महीना का बच्चा है, कितना नाजुक बच्चा है वो, और उस नाजुक बच्चे को लेकर के घूमना फिरना ये बाहर, वो भी ओसा, मतलब शाम के टाइम तो ओसा गिरना स्टार्टिंग हो जाता है दोस्तों, कई बजे से, 5-6 बजे से ओसा गिरना स्टार्ट हो जाता है। बताइए दोस्तों, ओसा गिरेगा 5-6 बजे से और आते हैं 7-8 बजे, बताइए ओसा में रहते हैं अपने बच्चे को लेकर दोस्तों, ऐसा दुख किसी को ना दे दोस्तों। बताइए, जितनी दुख तो भाभी नहीं सह रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा दुख बेचारे कौशल जी सह रहे हैं अपने बच्चे को लेकर के। वो तो घूम फिर करके किसी तरह अपना ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चे को अपने पति के पास छोड़ी हुई हैं, लेकर घूम तो नहीं रही हैं, उनको फंसाए हैं सब लोग,
ये अच्छा किए हैं दोस्तों, अच्छा नहीं ना किए हैं उनको फंसा करके, भाभी को जी मतलब प्रशासन फंसाया, प्रशासन ये दंड दिया है तो वो तो भुगत रही हैं, उनको प्रशासन ऊपर से मतलब मिला है तो दंड भुगत रही हैं, अकेले वो भी अकेले इधर उधर अपना समय काट रही हैं, अपने बच्चों को लेकर नहीं ना समय काट रही हैं दोस्तों। बताइए आप लोग, उनका साथ नहीं दीजिएगा तो किनका साथ दीजिएगा? कौशल जी को साथ दीजिए आप लोग, इतने आप लोग हमदर्दी हैं, कमेंट करते हैं आप किसी के बारे में सुन लेते हैं तो, भौजी के बारे में सुने कमेंट कर रहे हैं, आज कौशल जी को एक दुख पड़ा है, कमेंट आप लोग कर रहे हैं। मैं एक कमेंट पढ़ी हूँ, मैं आपको माना करती थी, क्या माना करती थी तुम, बड़ा ही माना करने वाली, तुम जान रही थी क्या भौजी के बारे में क्या बोल रही है नहीं बोल रही है? अरे सोच समझ के कमेंट किया करो, मोबाइल उठाती हो कमेंट कर देती हो, मैं आपको तो माना करती थी समझाती थी, बड़ा आई समझाने वाली, तुम जान रही थी भविष्य क्या कि कौशल जी के साथ ऐसा होने वाला है? अरे कमेंट करो, कुछ सोच समझ के कमेंट करो, बिना फालतू के कमेंट कर देती हो जो भी कमेंट करती हो, हमदर्दी गिनाती हो कि बड़ा हमदर्दी है। कॉमन सेंस लगा कर जिस तरह से तुम कमेंट की हो, मैं कॉमन सेंस ही लगाई हूँ ना, तुम भविष्य तो जान नहीं रही थी कि भाभी के बारे में ऐसे बोल रही है तो मैं भी वो भी फंस जाएगी, और ऐसा गलत तो वो बोली नहीं थी जो तुम समझा रही थी, क्या गलत बोली थी जो तुम समझा रही थी? अरे सोच समझ के कमेंट किया करो, तसल्ली नहीं दे सकती हो, दुख में साथ नहीं दे सकती हो तो ऐसा कमेंट ना करो कि अगले इंसान को भी दिल के मतलब पढ़े तो समझे कि कब वो माना हमको कर रही थी, कब वो मेरे बारे में जान गई, मेरे भविष्य के बारे में। दिल की तसल्ली दो ऐसे कि उसी भी बेचारी को लगे कि मुझे कोई तो साथ दे रहा है। सब्सक्राइबर किस सब्सक्राइबर, बस तुम लोग नाम के हो। और भी बहुत कमेंट पड़े हैं दोस्तों, बहुत सारे बहुत ऐसे ऐसे कमेंट करते रहते हैं फालतू में, मोबाइल उठाते नहीं हैं कि बस मोबाइल पाते नहीं है कि बस जो मन में आता है वो कमेंट कर देते हैं। हाँ मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात को ले सुनकर और देखकर, बहुत तकलीफ़ हुआ है मुझे वीडियो देखकर कि, तो देखो रजनी और कौशल जी आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, भगवान ऊपर वाला आपको देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है तभी तो आप इतना तक बढ़ें तो आप लोग को देख और भी लोग जैसे नीचे वाले लोग आपको देखना नहीं चाह रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं तुम्हारे आप लोग को और आगे बढ़ा भी रहे हैं आप लोग को, और भगवान करे कि आप इसी तरह आगे बढ़िए। और जिस किसी ने ये ऐसा वीडियो जिस किसी ने वीडियो बनाया हुआ डाउनलोड करके आपको टारगेट किया है वो सही नहीं किया है, और जीवन भर खुश नहीं रहेगा, जीवन भर खुश नहीं रहेगा। बद्दुआ मैं देती हूँ जिसने आपको इस सब में फंसाया है बेचारे आप लोग को ऐसे, जबकि आप इस मामले में आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, ना कन्हैया जी ना कौशल जी, कन्हैया जी तो बेचारा कभी नहीं पढ़ते हैं ये सब चीज़ में, अच्छा है उस दूरी बना के रखते हैं, हम एक भी वीडियो नहीं देखे हैं किसी के खिलाफ किसी के पक्ष, कुछ भी वीडियो कन्हैया जी को नहीं बनाते हुए देखे हैं, और थोड़ा सा पक्ष में बना दिए कौशल जी भौजी के पक्ष में तो सब लोग को मिर्ची लग गया, अब पक्ष में क्या बनाए थे दोस्तों, ऐसा भी कुछ नहीं बोले थे भौजी के बारे में, बस ये बोले थे कि मैं भी उनको दोस्त मतलब सब लोग कमेंट कर रहे थे तो वो कहें कि मैं भी उनको दोस्त ही मानता हूँ, और भौजी के गलती है, किसकी गलती है, क्यों फंसाया गया, क्यों नहीं फंसाया गया, ये सब ऐसे बोल रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि भौजी बहुत अच्छी हैं, भौजी के बारे भौजी को फंसा कर ये सही नहीं किए हैं प्रशासन चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं कह रहे थे दोस्तों, समझ गए, मैं भी वीडियो देखी हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बनाए थे, हाँ ये कह रहे थे कि हम कमेंट पढ़ पढ़ के पागल हो गए हैं, सब लोग कमेंट कर रहे हैं भौजी के आप लोग बचाइए, भौजी के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो इसलिए वो बनाई बेचारी, अगर ये नहीं जानती थी बेचारी कि मुझे इतने बुरे तरीके से मुझे फंसा देंगे, समझ गए दोस्तों, तो ऐसा गलती आप लोग भी मत कीजिए। इसके पहले भी मैं वीडियो बनाई हूँ तो बहुत कुछ बोली हूँ, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ केवल कौशल जी और रजनी जी के लिए, इसलिए क्योंकि बेचारे बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, और ये अच्छा नहीं किया है जो भी किया है, फंसाया है जो अच्छा नहीं किया है, हमें ये सुनकर बहुत तकलीफ़ हुआ है,
और मेरे रूम में रहती थी, मुझे इसलिए तकलीफ़ हुआ क्योंकि मेरे रूम में 2.5-3 साल रही है, मेरे साथ रही है, मेरे साथ गुजारी है, एक एक पल मैं उसके बारे में जानती हूँ, एक एक पल गुजारी हूँ जो मुझे याद है, और मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि वो लोग क्या है। समझ गए दोस्त, दिल के अच्छे हैं कि दिल के बुरे हैं, जो भी हैं हमारे साथ गलत नहीं किए हैं, तो मैं उनको क्यों गलत कहूँ बताइए, और मैं उनको क्यों गलत समझूँ जब मेरे साथ गलत नहीं किए। वही चीज़ बोले थे वो दोस्तों कि भौजी नहीं मेरे साथ गलत किए हैं, ना और कोई मेरे साथ गलत किया है, बहुत ऐसे लोग का नाम लिए थे कि तमाम लोगों के, तो मैं खुलकर नहीं बताना चाहती हूँ इसलिए, क्योंकि अभी पक्ष में बोल किसी के भी पक्ष में या पक्ष में बोलूँगी तो कहीं मुझे ना कोई फंसा दे दोस्तों, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। भौजी के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बेचारे भौजी के चक्कर में फंसे हैं, तो ऐसे लोग जो भी फंसाए हैं सही नहीं किए हैं, तो बहुत ऐसे तमाम यूट्यूबर लोग के नाम ले रहे थे कि किसी के भी पक्ष में हम क्यों बोलें या किसी के पक्ष में क्यों बोलें, वो मेरे साथ भी नहीं गलत किए हैं, ना मैं उनके साथ गलत की हूँ, ना वो मेरे साथ ऐसा किए हैं, और ना हाँ जी जो जिसके बारे में जिसके पक्ष में जिसके खिलाफ में अभी पक्ष में जो भी बना रहा है वीडियो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, ये बोले थे वो दोस्तों, एक दूसरे से झगड़ा ना करें ये भी बोले थे वो दोस्तों। और आज मैं रात में वीडियो देखी हूँ, शाम को करीब 7-8, 7-7.5 बजे की बात है ये बात, तो उस टाइम मैं वीडियो देखी थी, तो ये भी बात यही बात वो बोल रहे थे कि एक दूसरे से झगड़ा करना अपने छोड़ दीजिए, सही बात कह रहे थे दोस्तों, झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रजनी कौशल जी आप लोग कष्ट आप लोग शुरू से झेलते आए हैं, मैं भी देखी हूँ बहुत आप लोग कष्ट झेलते थे, बेचारे गाना का शूटिंग करने गए थे बताइए, 3-4 गाना का शूटिंग में 2 ही गाना शूटिंग किए हैं और 2 गाना छोड़ दिए हैं क्योंकि कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जा रहा है बेचारे को, और भी बच्चे को लेकर बताइए, इस ठंडी में बच्चे को लेकर कितना कष्ट झेल रहे हैं वो, तो ये अच्छा नहीं किए हैं ना दोस्तों, जो भी किए हैं हम तो बददुआ ही देंगे जो भी किए हैं वो, बहुत गलत किए हैं क्योंकि हम हमारे साथ वही कह रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ वो गलत नहीं किए हैं तो मैं उनके साथ सही करूंगी ना दोस्तों। कोई भी अगला इंसान जिसके साथ जो गलत नहीं करेगा उसके लिए क्या प्रार्थना ही करेगा ना भगवान से, विनती करेगा नहीं, दुआ ही मांगे बद्दुआ तो नहीं करेगा, दुआ ही मांगेगा ना कि बेचारा के इस मामले से फंसा है जो मतलब निकल जाए किसी तरह बेचारे निकल जाए, तो बताइए कब तक बेचारे ये कचहरी का चक्कर लगाएंगे, और केस मुकदमा बहुत बेकार होता है दोस्तों, बहुत बेकार होता है एक मुकदमा, तो हम देख के बैठे हुए हैं दोस्तों, बहुत बैठे हुए हैं, बहुत बेकार होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग मत फंसिए, ठीक है दोस्तों। कौशल जी रजनी जी आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग मेरी बातों को बुरा लगा होगा, जो भी मैं इस वीडियो में बोली होंगी इस वीडियो के माध्यम से जो भी ऐसी बातें बुरा लगा होगा आप लोग को, तो मैं ऐसा तो बुरा बोली नहीं हूँ, आप लोग को बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोग से और आपसे कि मेरी बातों को दिल से मत लगाइएगा, मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोली हूँ, किसी के बारे में नहीं कुछ बोली हूँ दोस्तों, और जहाँ तक मैं बोल रही हूँ जो भी कर रहे हैं आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और मतलब जो भी कमेंट करता है ये सोच समझ के कमेंट करना चाहिए, कोई भी कमेंट करता है सोच समझ के, एक दूसरे को एक वो उसको जवाब दे दिया उसको जवाब दे दिया, केवल जवाब देने से नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको आज भी बोल रही हूँ अभी भी बोल रही हूँ, किसी को भौंकने से नहीं होता है, जैसे कुत्ता भौंकेगा तो काटेगा नहीं, हम जानते हैं कि कुत्ता काटेगा तो भौंकेगा नहीं, बादल गरजेगा तो बारिश होगी नहीं, इसलिए आप लोग ये बात जिसको जितना गरजना है गरजने दीजिए, जिसको भौंकना है भौंकने दीजिए, समय एक आता है जैसे दुख का समय आता है, हाँ दुख का घड़ी से मतलब काटना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, अशुभ का घड़ी मिनटों नहीं लगता है कट जाता है, तो इसलिए हर लोग सुख ही मनाता है दुख नहीं मनाता है, बेचारा दुख मना रहे थे कि मेरे पास आया दुख का घड़ी, बेचारा का लिंटर लगने वाला है, अब वो लिंटर लगाएंगे कि कचहरी का चक्कर लगाएंगे, बताइए आप लोग,
और अपने बच्चे के चक्कर लगाएंगे, अपने बच्चे को हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाना ले आना। बेचारे का सर्दी खांसी इतना जकड़ दिया है कि बेचारा सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, भाप लगा रहे हैं, डेली भाप लगाना। हॉस्पिटल का भी तो चक्कर लगाएंगे दोस्तों, तुम जाओगे लगाने, जो भी फंसाया है तुम जाओगे ले चक्कर लगाने, उसके बेटे को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, लिंटर ले लगने वाला है तुम जाके लगाओगे उसका लिंटर। बताओ कितना गलत किए हो तुम लोग, ये सही नहीं किए हो, जो भी किया है बहुत गलत किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, पता ना लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और बहुत बहुत दिल की बात होता है दोस्तों, कितना बतिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर कमेंट करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और तब तक के लिए बाय बाय।